धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने दो वारदातों के हत्या आरोपी का खुलासा किया है। एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि गत दिनों पीथमपुर के गुडलक चौराहे स्थित गुमटी में हुए अंधे कत्ल का कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। चोरी की नियत से गुमटी में घुसे बिच्छू और उसके साथी को मृतक इब्राहिम ने पहचान लिया, लिहाजा बदमाशों ने इब्राहिम के सोफे के फोम से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी वहां से भागने में भी कामयाब हो गए थे, परंतु अपना एक जूता वहीं छोड़ गए थे, जिसके बलबूते पर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरा मामला 19 जून को वृंदावन कॉलोनी के निर्माणाधीन मकान की सेफ्टी टैंक में मिली लाश का था। पुलिस ने पता लगाया तो मालूम हुआ मृतक का साथी शत्रु घटना वाले दिन से ही फरार है। पुलिस ने संदेही की तलाश कर पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल किया और बताया कि उसका उससे पुराना विवाद था। पीथमपुरा सेक्टर एक पुलिस और साइबर शाखा की मदद से अंधे कत्लों का खुलासा हो सका। आज धार पुलिस ने थाना सेक्टर 1 के दो अंधे कत्लों का पर्दाफाश किया है। उसमें जो पहला जो मामला है वो पिछले महीने की 27-28 तारीख का है, जिसमें एक इब्राहिम नाम के व्यक्ति का मर्डर हो गया था। ये एक चाय की गुमटी चलाता था। इसमें पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिन्होंने प्लानिंग के तहत पहले बगल की टायर पंक्चर की दुकान में घुसे, वहाँ पर मोबाइल और कुछ पैसे लूटे, और उसके बाद इस इब्राहिम के जगने के कारण जब उसकी दुकान में घुसे तो इब्राहिम के जगने के कारण इन्होंने सोफ़ा का जो फोम होता है उस फोम से स्मदर करके उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में एक जूते का क्लू आया था, क्योंकि एक आरोपी का जूता स्पॉट पे छूट गया था, और सीसीटीवी फुटेज और बाकी मुखबिर सूचना के आधार पे पुलिस ने उस आरोपी को आइडेंटिफाई किया। अब इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। दूसरे मामले में करीब 1.5 महीने पहले एक सेप्टिक टैंक में एक पप्पू नाम के व्यक्ति जो वहाँ पर चौकीदार था उसकी बॉडी मिली थी, और सेप्टिक टैंक में उसका गद्दा और ऐसे कुछ क्लूज़ मिले थे कि हत्या है। पुलिस ने ये मामला रजिस्टर किया और जब पता किया तो उसमें उसी का एक दोस्त, शत्रु नाम का एक दोस्त वहाँ रहता था, और ये लोग साथ में शराब भी पीते थे और नशा भी करते थे, और पूर्व में करीब 1 वर्ष पूर्व एक झगड़ा हुआ था जिसमें इस पर मुकदमा भी कायम हुआ था। तो पुरानी द्वेष भावना को लेके उसने उसका मर्डर किया। इस पूरे उसमें एडिशनल एसपी नॉर्थ, सीएसपी पीथमपुर और थाना प्रभारी सेक्टर 1 चंद्रमान की टीम ने अच्छा काम किया और दोनों अंधे कत्ल का फाश को निकालने में अच्छी कार्रवाई की। दोनों मामलों में, पहले मामले में 3 अरेस्ट हो गए हैं और दूसरे मामले में 1 आरोपी था वो भी अरेस्ट हो गया। सभी लोग पीथमपुर के ही निवासी हैं। अभी 1 व्यक्ति फरार है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।